स्वागत है। आज हम लाए हैं एक गर्मियों की नई रेसिपी। तो हम क्या बनाएंगे नई रेसिपी में? ये हमने आम लिए हैं, आज बनाएंगे हम आम पन्ना। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले इसका हम छिलका हटा लेंगे। ये हमने धुल के रखे हुए हैं अच्छे से, ऊपर का हमने कट कर दिया है। तो इसको इस तरह से छील लेंगे तीनों आमों को, छोटी छोटी है ये। हम इसका बिना छीले भी बना सकते हैं। सबसे पहले छील लेंगे, फिर इसे उबालेंगे। तो इसी तरह से तीनों, तो छिलका हमने हटा लिया है आम का। तो इसको डालेंगे भगोनी में। ये पानी ले लिया है मैंने, इनको उबालेंगे हम। तो रख देते हैं इसको गैस पे। तो यहाँ पे गैस ऑन कर लिया है मैंने। थोड़ा सा नमक डाल देंगे ऊपर से ताकि जल्दी गल जाए हमारे आम। ऊपर से ढक देंगे इसको, अच्छे से उबालना है मैंने, कच्चे नहीं रहने देना है। तो यहाँ पे थोड़ा देर 5 मिनट के लिए इनको उबालते हैं हम, बाद में चेक करेंगे। 5 मिनट हो गए हैं आम को, चेक कर लेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं पकने में। गैस को सिम कर लेंगे। आम हमारा उबल के तैयार है, गैस को यहाँ पे बंद कर देंगे। आम को ठंडा करेंगे थोड़ी देर के लिए, एकदम ठंडा हो जाएगा बिल्कुल, तभी इसको मैश करना है हमें। आम को ठंडा करेंगे, एकदम ठंडा करेंगे बिल्कुल। ठंडा होने के बाद इसको हम मैश करेंगे, पानी से निकाल लेंगे आम को ठंडा होने के लिए। तरह निकाल लेंगे। आम हमारा ठंडा हो गया है, तो इनका गुदा गुदा निकाल लेंगे इस तरह कुटली से। बहुत ही आसानी से निकल रहा है, अच्छे से उबल जाता है, बहुत ही जल्दी बन के तैयार भी हो जाता है ये, और बहुत ही टेस्टी भी लगता है। तो इसी तरह हम तीनों आम का गुदा निकाल लेंगे। अच्छे तो इस चमचे की मदद से मैश करेंगे इसको। एकदम बारीक सा पेस्ट बना लेना है इसको हमें इस तरह से। इधर ये पानी भी ठंडा हो गया है, जो आम जिसमें मैंने आम उबाले थे, तो ये हटाया नहीं था, ये साफ पानी था, फ्रेश पानी में आम उबाले मैंने, तो इस पानी को भी इसमें यूज करेंगे हम। तो इसमें सारा पानी डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको आम के साथ। डालेंगे 4 चम्मच चीनी ली है मैंने, मीठा कम ज्यादा अपने हिसाब से भी कर रख सकते हैं। इसको अच्छे से घोल लेंगे।
भी थोड़ा सा पानी और डालेंगे इसमें। मैंने एक कप पानी लिया है, ये नहीं डालूंगी, आधा कप पानी डाला है मैंने इसमें। एक चम्मच नमक डालेंगे इसमें, नमक स्वाद अनुसार डालें। आधा चौथाई चम्मच डालेंगे लाल मिर्च। एक चम्मच भुना जीरा डाल देंगे इसमें, हींग और जीरा है ये साथ में भून के रखा है मैंने, तरह कूट के तैयार किया है। सभी को मिक्स कर देंगे इसमें। अरे चौथाई चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल देंगे इसमें, सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो आम पन्ना हमारा बन के तैयार है, बहुत अच्छा पन्ना हमारा बनके तैयार है। ऊपर से डाल लेंगे थोड़ा सा इसमें हरा धनिया। तो हम इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं ठंडा करने के लिए, आइस क्यूब भी डाल सकते हैं, ठंडा ठंडा सर्व करें। बहुत अच्छा बनके तैयार हुआ है ये, बनाइए एंजॉय कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।